भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शानदार वापसी की है। पिछले कुछ समय से बड़ी पारी खेलने में संघर्ष कर रहे रोहित ने यहां जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने पुराने अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। तो दोस्तों, रोहित ने पहले दिन 130 गेंदों में अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के भी लगाए। हिटमैन शर्मा ने अपनी शानदार पारी के साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। 23 वर्षीय रोहित के टेस्ट करियर का ये 7वां शतक है और 7ों ही शतक उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर ही लगाए हैं। वे अपने शुरू के सभी शतक घरेलू मैदान पर लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी के साथ रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब 40 शतक हो चुके हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7, वनडे में 29 और T20 में 4 शतक लगाए हैं। रोहित ने यहां पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और श्रीलंका के तिलकतरणे दिलशान को पीछे छोड़ दिया है। दोनों ही खिलाड़ियों ने 39-39 शतक अभी तक लगाए हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में रोहित शर्मा से आगे सिर्फ विराट कोहली हैं, जिनके 70 हैं, डेविड वार्नर 43 हैं। भारत की तरफ से रोहित शर्मा से ज्यादा शतक सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने ही लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित का ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4था शतक है। टेस्ट चैंपियनशिप की 13 पारियों में उन्होंने 800 से अधिक रन बना लिए।